नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। स्टार प्लस के शो अनुपमा में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। ये शो टीआरपी लिस्ट में टॉप पर बना हुआ है। आए दिन इस शो में कोई ना कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स आते ही रहते हैं। वही अब शो में मेकर्स इतना बड़ा ट्विस्ट लेकर आने वाले हैं जिसके बाद फैंस को जोर का झटका लगने वाला। हालांकि शो की टीआरपी में इससे धमाल जरूर मच सकता। ये सभी जानते हैं कि शो में रूपाली, गौरव, अनुपमा और अनुज के किरदार में छाए हैं। वहीं सुधांशु यानी कि वनराज भी शो में तड़का लगाने का काम करते हैं। वहीं अब शो में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे जानने के बाद शो के व्यूअर्स की नींद उड़ने वाली। दरअसल मीडिया के गलियारों में ऐसा दावा किया जा रहा है कि जल्द ही शो में अनुज कपाड़िया की मौत होने वाली, जिसके बाद अनुपमा और आध्या अकेली पड़ जाएंगी। शो में अनुज की मौत का फायदा सीरियल की टीआरपी को जरूर मिलेगा। बता दें कि अनुपमा शो बंगाली और मराठी भाषा में भी आता है। इन तीनों शो की कहानी लगभग एक तरह से ही चल रही। अनुपमा में जिस तरह से अनुपमा की दूसरी शादी और अनुज संग तलाक दिखाया गया, उसी तरह बाकी दोनों भाषाओं के शो में भी कहानी चल रही। लेकिन अब बंगाली और मराठी शो में एक नया ट्विस्ट आ गया है, जिस वजह से फैंस काफी चिंता में पड़ गए। अनुपमा के मराठी वर्जन वाले शो का नाम आई कुठे काय करते हैं और बंगाली भाषा में इस शो का नाम श्रीमोई। इन तीनों शोज में अलग अलग स्टार कास्ट दिखाई जा रही है। बंगाली और मराठी वर्जन वाले अनुपमा में हाल ही में दिखाया गया है कि मेन लीड कैरेक्टर की मौत हो गई, यानी अनुज की मौत हो गई। इन तीनों शोज की कहानी को मेकर्स एक जैसा ही चला रहे और इसी वजह से अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्द ही अनुपमा में भी मेकर्स इस ट्विस्ट को लाने की तैयारी कर लेंगे। यही वजह है कि ऐसा दावा किया जा रहा है कि जल्द ही अनुज की मौत हो जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शो के मेकर्स अनुज की मौत की प्लानिंग कर चुके हैं और शो में जल्द ही ये ट्विस्ट आएगा। बता दें कि शो अनुपमा में अनुज और श्रुति की शादी के फंक्शन शुरू हो गए। जल्द ही शो में नजर आएगा कि श्रुति और अनुज का संगीत फंक्शन घर में ही होने वाला है और इसके लिए अनुपमा केटरिंग की जिम्मेदारी लेने वाली। अनुपमा अनुज के घर आकर ही खाने की तैयारी करेगी और वहां पर आध्या के ताने चालू रहेंगे। हालांकि अनुपमा सब कुछ नजरअंदाज करने की कोशिश करेगी। बता दें कि इस शो को शुरू हुए कई साल हो गए। कोरोना काल के दौरान इस शो की शुरुआत हुई थी। ये शो तभी से टीआरपी लिस्ट में बना हुआ है। सालों से शो नंबर वन पर बना हुआ है। बीते कई दिनों से शो की टीआरपी में थोड़ी गिरावट आ रही, लेकिन शो के नए ट्विस्ट से मेकर्स को जोरदार फायदा हो सकता है। देखने वाली बात अब ये होगी कि शो का नया ट्विस्ट मेकर्स के लिए कितना सही साबित होता है। वैसे आपको ये शो कैसा लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।